गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने गृह जिले दतिया के ग्राम कोटरा पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। यह वही गांव था जहां नरोत्तम मिश्रा ने रेस्क्यू कर एयरलिफ्ट से लोगों की जान बचाई थी। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैंने तो जिंदगी जी ली थी, लेकिन बेटियों को बचाकर सुकून मिला। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बाढ़ ग्रस्त इलाके ग्राम कोटरा पहुंचे। यह वही जगह है जहां डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रेस्क्यू कर एयरलिफ्ट से लोगों की जान बचाई थी। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं इसी इलाके में बाढ़ के बीच फंस चुका था। नाव वाले का हाथ टूट गया था, वहां पर बैठे दूसरे व्यक्ति का सर फट चुका था, बीच भंवर में फंसा था और मन में एक ही विचार चल रहा था, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं, लेकिन जब बाढ़ से इन बेटियों को बचाया तो सुकून मिला। इस कार्य से मैंने अपना जीवन सफल माना। नरोत्तम मिश्रा बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच पहुंचकर भावुक हो गए। इस दौरान वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए। नरोत्तम मिश्रा ने बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को भरपूर सहायता देने का आश्वासन दिया। नरोत्तम मिश्रा बाढ़ग्रस्त लोगों के सतत संपर्क में है और लगातार सहायता पहुँचा रहे हैं। आप लोग इस गाँव में नहीं थे जब मैं आया था, तब ये बेटियां थी दोनों, ये थे, ये दोनों बैठी है बहन मेरी, इनको मालूम होगा कि इस गांव में पानी की धार कितनी तेज थी। मैंने देखी अपनी आंखें, बिल्कुल जहां आप बैठे हो, जहां तक हम नाव में आए, वहां से नाव चला रहा था, उसका भी सिर फट गया था, उसका भी सिर फट गया था। और वो तो ठीक ही है, हम तो खैर ठीक है, जिंदगी जी ली थी, पर इन्हें देख के तो मेरा दिल हिल गया था। मैं सामने वाली छत पे था, जो यहाँ पे थी कहीं, जब आवाज देके बुलाया, कहाँ पे थी? पीछे से निकल, पीछे से निकल के आई थी आवाज, जब मैंने वहां से लगाई जोर से, पहले तो निकली नहीं है, फिर जब जोर से दो तीन बार चिल्लाए तब फिर शायद पहले जी आई बड़ी वाली, फिर माँ आई, है ना, माँ है ना आप, माँ आई फिर इनकी, और फिर एक करके ये भी आ गया भाई मेरा, वंशकार है। खैर वो भयावह दृश्य इतना था और इतना जोर का धार थी इसके अंदर कि बोट जो थी ना पूरी स्पीड के बाद भी आगे नहीं चल पा रही थी, इतना ही तेज धार थी, आप अंदाज करो कितनी तेज धार हो। पर माई की कृपा है, उसी समय हेलीकॉप्टर भी आ गया और हेलीकॉप्टर आके पहले बेटियों को हमने रवाना किया, फिर उनको किया, और फिर मोए राम से काम पर गए, पर जी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जब पूरा प्रदेश कोरोना की आपदा में था तब दतिया में मदद पहुंचाई, आज बाढ़ संकट आया तो किसी तरह की जनहानि का समाचार नहीं होगा। मिश्रा ने बाढ़ग्रस्त लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर ग्रामीणों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी व सामाजिक संस्थाओं के व्यक्ति मौजूद रहे। बाढ़ आई तो सभी गांव बह गए और हमारा गांव बच गया, कमरा बचा वो भी चलेगा, लेकिन हमारी जो लगी कि हम खत्म होने वाले हैं, दादाजी दिखाने हमारे लिए तो हमारे तसल्ली बहुत मिली है मैंने, लेकिन अजी नहीं आती दादाजी तो हम खत्म होने वाले आते दिखाने, हेलीकॉप्टर से जल्दी फोन किया जब ही हमारे लिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।